गाइस, अगर आप एक शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो भाई ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट्स के बारे में काफ़ी अच्छी आपको एक नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आप शॉर्ट्स नहीं बनाते हैं तो भाई आपसे दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप शॉर्ट्स बनाने लगोगे। अब मैं बात करता हूँ अपनी एक शॉर्ट्स वीडियो की जिसमें 10 मिलियन व्यूज़ गए हैं। गाइस, आप यकीन नहीं करोगे लेकिन उसमें 10 मिलियन व्यूज़ गए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा और टाइटल पे देखा। लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें 10K यानी 10,000 व्यूज़ गए हैं, 10 मिलियन नहीं गए। ये मैंने थंबनेल और टाइटल पे जस्ट लिखा था। अब वो क्यों लिखा था वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हमारा यूट्यूब की। तो यूट्यूब का अगर आप ट्रेंडिंग पेज खोलोगे तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या दिखेगा, एकदम शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स वीडियो आपको दिखेंगी और कुछ नहीं। एक दो वीडियो लॉन्ग दिखेंगे, बाकी आपको शॉर्ट्स ही दिखेंगे। इसका मतलब क्या है गाइस, कि YouTube भी अब शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। वैसे मैं इसके खिलाफ हूँ। आप शॉर्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं या फिर आप क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को शॉर्ट्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता YouTube पर, लेकिन एक मजबूरी है कि इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। तो अगर आप ट्रेंडिंग पेज खोलोगे तो गाइस आपको शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स दिखेंगी, लॉन्ग वीडियो काफ़ी ज़्यादा कम दिखेंगी। इसका मतलब यूट्यूब अब शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। हुआ क्या था, जब टिकटॉक, वैसे किसका नाम लगा गया, वो तो चला गया, मर चुका है। वैसे जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था उससे पहले ही यूट्यूब ने अपना लॉन्च कर दिया था, और जब ऐसा चल रहा था कि भाई शॉर्ट्स का एक अलग ही एप्लीकेशन निकालेगा यूट्यूब, लेकिन टिकटॉक बैन हो गया तो यूट्यूब को फिर भी धीरज थी। लेकिन इंस्टाग्राम ने जैसे ही रील का ऑप्शन निकाला तो भाई यूट्यूब को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो एक शॉर्ट्स का अलग से एप्लीकेशन लॉन्च कर सके। बस उसने जस्ट अपना यूट्यूब ऐप अपडेट किया और इसी में शॉर्ट्स को भर दिया। गाइस, ये यूट्यूब की सबसे बड़ी गलती थी। अब ये तो हो गई गाइस यूट्यूब की सबसे बड़ी गलती, या जो भी गलती है मैं इसके खिलाफ हूँ, हो सकता है आपको पसंद हो या और किसी को पसंद हो, तो वो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा। अब गाइस आपको शॉर्ट्स बनाना है, शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। अब आप एक नॉर्मल शॉर्ट्स बना के देखिए, जो नॉर्मली आपकी वीडियो आती है गाइस उनसे 100% आपका ज़्यादा व्यूज़ आ गया। अब चलिए शॉर्ट्स का मैंने माना कि भाई वॉच टाइम कवर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर कोई ब्राउज फीचर से या सर्च करके देखता है तो उसका वॉच टाइम कवर होता है। हाँ, अगर कोई स्क्रॉल करता जा रहा है आपकी वीडियो आई शॉर्ट्स में, तो उसका वॉच टाइम कवर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस वहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपकी वीडियो पर अगर 1 मिलियन व्यूज़ चले गए तो गाइस 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर आपके यूं ही बन जाएंगे, और 20 हज़ार सब्सक्राइबर करने में लॉन्ग वीडियो में कितना टाइम लगता है आपको मालूम होगा। तो आप एक अच्छी खासी ऑडियंस बना सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो बनाकर। अब शॉर्ट्स वीडियो के फायदे गाइस यही हैं, और शॉर्ट्स वीडियो को अब तो मैंने सुना है कि मोनेटाइज भी कर सकते हैं गाइस, उस पर मैं अभी मेरी स्टडी चल रही है। अगर वो मोनेटाइज हो गई गाइस तो उसके मैं साथ ही आपको काफ़ी अच्छी एक नॉलेज दूंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से होती है। तो आप शॉर्ट्स बनाकर काफ़ी अच्छी ऑडियंस ले सकते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे शॉर्ट्स बनाना बंद कीजिए और लॉन्ग वीडियो बनाने लगिए, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर आ जाएंगे, आपके व्यूज़ आएंगे, नोटिफिकेशन लोगों के पास जाएगा। अगर आप एक स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप शॉर्ट्स से स्टार्टिंग करिए, इस टाइम पर शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो बस यही मेरा कहना था, और अगर आपको मेरे से बात करना है तो भाई आप इंस्टाग्राम पे आइए, हर DMs का वहाँ पर मैं रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे ब्लॉग चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप राम गुर्जर ब्लॉग सर्च कीजिए, आपके सामने मेरा चैनल्स आ जाएगा। जिस तरह से आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह से आप वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वैसे वीडियो पसंद क्यों नहीं आएगी, इतनी अच्छी मैं जानकारी आपको लेकर आ रहा हूँ। और अब आप समझ गए होंगे कि भाई मैंने 10 मिलियन क्यों लिखा, क्योंकि 10 मिलियन देखकर लोग जल्दी जल्दी आ जाते हैं, और अगर आए हैं आप तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिली है कि भाई आपको अगर चैनल स्टार्टिंग करना है तो लॉन्ग वीडियो से नहीं शॉर्ट्स वीडियो से करना है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आ गई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, जी हाँ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। सो बस, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।